आप लोग ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दो आकृति बना हुआ है ना, एक वृत्त की आकृति है और दूसरा वर्ग की आकृति है। वृत्त कितने भागों में बंटा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भागों में। वृत्त 8 बराबर भागों में बंटा हुआ है। वृत्त कितने बराबर भागों में बंटा हुआ है? 8 बराबर भागों में बंटा हुआ है। तो इस वृत्त में देखें आप लोग, कुछ भाग रंगा हुआ भी है, रंगा हुआ है ना, तो जो भाग रंगा हुआ है उसे भिन्न में दर्शाना है। जो भाग रंगा हुआ है उसे भिन्न में दर्शाना है। भिन्न में मतलब बटा में दर्शाना है, बटा में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो यह वृत्त कितने भागों में बटा हुआ है? यह वृत्त 8 बराबर भागों में बटा हुआ है, जिसमें से 1, 2, 3, 4 भाग, 4 भाग रंगा हुआ है। यदि रंगे हुए भाग को आप भिन्न के द्वारा दर्शाना चाहेंगे तो आपको लिखना होगा 4/8। क्या लिखना होगा? 4/8। क्यों? क्योंकि 8 भाग में से 4 भाग रंगा हुआ है। क्लियर है? इस भिन्न को अब क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने सिखाया आप लोगों को कि 100 से गुना करना है। ठीक है, 4 × 2 = 8, 4 × 25 बार में कट जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 25 × 2 कितना हो गया? 50%। ठीक है, तो इस वृत्त में जो रंगा हुआ भाग है वह कितना प्रतिशत है? 50% है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब हम लोग आते हैं इस वर्ग में। इस वर्ग पर आप लोग ध्यान दें, ठीक है। ये वर्ग 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। कितने बराबर भागों में बटा हुआ है? 4 बराबर भागों में बटा है, जिसमें से एक भाग रंगा हुआ है। तो रंगे हुए भाग को यदि हम भिन्न में दर्शाना चाहेंगे, भिन्न में दिखाना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे? 1/4। ठीक है, क्योंकि 4 भाग में से एक भाग रंगा हुआ है। रंगे हुए भाग को हम दिखलाएंगे 1/4 के द्वारा। अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? इसको 100 से गुना, 4 × 4, 4 × 25 बार में 25% आंसर। कोई दिक्कत है किसी भाई स्टूडेंट को? नहीं? आप लोग इसे उतार लें।